और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामचंद्र भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामचंद्र और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिला में आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो के परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के तहत मिली अनुमति, बिना अनुमति परिचालन की दशा में होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिला में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं एवं साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। जन सामान्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला एक से दूसरे जिले आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को 28 मई 2020 से परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। जिले के भीतर टैक्सी ऑटो का परिचालन नियमानुसार होगा। अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिवहन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड-19 ई पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण निम्नानुसार ई पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक है epass.cgcovid19.in के माध्यम से मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई पास के बिना अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामचंद्र।